बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू स्माइली फूड। और मैं हूँ नाहिद। आज हम बनाएंगे महाराष्ट्र की ट्रेडिशनल रेसिपी थाली पीठ। थाली पीठ महाराष्ट्र में हर जगह ढाबे, रेस्टोरेंट या स्टॉल पर भी मिलती है। इसे जवार, बाजरी या मकई के आटे से भी बनाया जाता है। मल्टीग्रेन आटों की वजह से ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। इसे आप अचार, ठेचा, दही या गर्मा गर्म चाय के साथ भी खा सकते हो। तो चलिए ये स्पेशल रेसिपी थाली पीठ किस तरह बनती है देख लेते हैं। थाली पीठ बनाने के लिए सबसे पहले हम उसका आटा तैयार करेंगे। तो ये महाराष्ट्र की एक ट्रेडिशनल रेसिपी है, इसीलिए मैंने यहाँ पर एक बड़ा सा पीतल का थाल ले ली हूँ, ताकि दिखने में लुक भी हमें अच्छा दिखे। आप कोई भी थाल में इस आटे को गूंद सकते हो। तो देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पर 2 कप भर के ज्वारी का आटा लिया है, और उसी के साथ हमने यहाँ पर 1/4 कप बेसन यानी चने के आटे को छान कर लिया है, और 1/4 कप हम गेहूं का आटा लेंगे। थाली पीठ के लिए हमने जवारी का आटा, बेसन और गेहूं का आटा लिया है। इसके अलावा आप बाजरी का आटा, मकई का आटा या कोई भी दालों को पीसकर वो आटा भी ले सकते हो, या फिर मल्टीग्रेन आटा भी ले सकते हो। अभी आटों के अलावा इसमें हम बारीक कटी हुई 1 प्याज को डालेंगे और बारीक कटा हरा धनिया लेंगे। आप चाहे तो लौकी को भी ग्रेट करके ले सकते हो, इसमें गाजर ले सकते हो, कोई भी भाजी लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो। तो ये किसी भी सब्जी से भी बनाया जाता है, लेकिन यहाँ पर हम प्याज और हरा धनिया डालकर बना रहे हैं, क्योंकि ये ट्रेडिशनल तरीके से ही मैं बना रही हूँ। 2 चम्मच हमने सफेद तिल ली है, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, टेस्ट के मुताबिक नमक डालेंगे। अब एक इसका स्पेशल मसाला तैयार करेंगे हम। तो यहाँ पर हमने 5-6 हरी मिर्चें ली है, 8 से 10 लहसुन की कलियाँ ली है, 1 चम्मच हमने जीरा लिया है और 1 चम्मच ही हमने अजवाइन लिए। ये मसाला बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो थाली पीठ के लिए हम इसे पीस लेते हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर एक खलबत्ता ले ली हूँ। एक खलबत्ते में हम ये सारी चीज़ों को डाल देंगे। आप चाहे तो मिक्सर में भी पीसकर इसका पेस्ट बनाकर ले सकते हो, लेकिन ट्रेडिशनल लुक देने के लिए बस मैंने खलबत्ते को ले लिया है। इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। ये दरदरा सा मसाला हमारा तैयार है। इसे पीसते टाइम पर खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही थी, तो इसे भी डाल देते हैं हम। यहाँ पर हम थाली पीठ को ठेचे के साथ खाने वाले हैं, इसीलिए मसाले थोड़े कम डाले हैं। आप चाहे तो मसाले थोड़े बढ़ा भी सकते हो। आप अगर थाली पीठ को थोड़ा सॉफ्ट और नरम खाना चाहते हो तो 2 चम्मच तेल भी मिला सकते हो आटे में। सभी चीजों को मिक्स कर लेंगे हम। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका आटा गूंदेंगे हम। थोड़ा सा सॉफ्ट आटा ही होता है इसका, क्योंकि जिस तरह से हम बाजरी ज्वार की रोटी बनाते हैं हाथों पर थपकते हुए, तो उसी तरह का इसका आटा होता है। तो थोड़ा नरम आटा गूंदेंगे हम। थोड़ा सा सॉफ्ट आटा गूंदकर तैयार कर लिया है मैंने, और इतना आटा गूंदने में 1.5 गिलास पानी की जरूरत पड़ी है मुझे। तो चलिए थाली पीठ बना लेते हैं। अब थाली पीठ के लिए मैंने यहाँ पर एक कॉटन का छोटा सा कपड़ा ले लिया है, इस पर हम बनाएंगे। आप चाहे तो बटर पेपर या फिर सिल्वर फॉइल पर भी बना सकते हो। उसे पानी में हम थोड़ा सा गीला करके निचोड़ लेंगे, क्योंकि तवे पर जब डालेंगे हम तो आसानी हो डालते टाइम पर। थोड़ा सा मैं गीला ही रखूंगी ये रुमाल को। तो हाथ पर पानी लगाकर हम थोड़ा सा पेड़ा ले लेंगे। तो आप जिस तरह से छोटा बड़ा बनाना चाहते हो उस तरह से पेड़ा ले ले। ये रुमाल को थोड़ा सा गीला ही रखना है हमें, ताकि उठाने में आसानी हो। अब इसे डालकर फैलाएंगे इस तरह से उंगलियों की मदद से। आप पतला बनाना चाहते हो तो थोड़ा पतला भी बना सकते हो, थोड़ा मोटा रखना चाहते हो तो मोटा भी रख सकते हो। थोड़ा थोड़ा पानी वाला हाथ करते जाना है और इसे फैलाते जाना है। थाली पीठ को अच्छे से मैंने गोल फैला दिया है। अब इसमें 4 से 5 हम सुराख करेंगे, ताकि जब इसमें तेल डालें हम तो ये नीचे से अच्छी तरह से फ्राई हो सके। इस तरह से कपड़े के 2 हिस्सों को पकड़कर उठा लेंगे हम, और तवे पर उल्टा करके डाल देना है। तवे को मैंने धीमी आंच पर गर्म करने के लिए रख दिया है, इस तरह से डालेंगे हम। अब ये जो हमने सुराख किया है इसमें तेल डाल देंगे, ताकि नीचे से भी अच्छी तरह से ये सिक पाए।
थोड़ा थोड़ा किनारियों पर भी डाल देंगे और इसे ढककर धीमी आंच पर पकाना है हमें। धीमी आंच पर पकते हुए 2 मिनट हो गए हैं, हम इसे चेक कर लेते हैं ताकि नीचे से भी ये जले नहीं, तो थोड़ा सा नीचे से उठाकर चेक करेंगे। तो ये नीचे से पक चुका है, इसे पलट लेती हूँ मैं। तो 1 से 2 मिनट के लिए फिर से हम इसे धीमी आंच पर पकने देंगे ताकि ये दोनों तरफ से अच्छी तरह से पक जाए। तो देखिए दोनों तरफ से अच्छी तरह से सिक चुका है, अच्छा सा गोल्डन कलर भी आ गया है। बस 4 से 5 मिनट में ही बनके तैयार हो जाता है। तो इसी तरह से बाकी सारे हम थाली पीठ को बनाकर तैयार कर लेंगे। इसी तरह से सारे थाली पीठ बनाकर हम सर्व कर लेंगे।